बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ब्रेक स्टेटमेंट की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि लूपिंग एक ऐसा तरीके का है जिसके जरिए आप एक ही तरह के कोड को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। सपोज ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने फॉर लूप के जरिए दो स्टेटमेंट्स को 6 टाइम्स रिपीट करवा रहे हैं और हम इस लूप की बॉडी में से बाहर तभी आ सकते हैं जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन तब फॉल्स होगी जब ये कोड 6 टाइम एग्जीक्यूट हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ये चाहती हूँ कि इस फॉल्स फॉर लूप में रखी इस कंडीशन के ट्रू रहने के बावजूद भी मैं इस लूप में रखी कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करूं और कुछ को स्किप कर दूं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हुआ है कंटिन्यू की स्टेटमेंट के थ्रू। ये इसकी डेफिनेशन देखिए। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट व्हेन यूज्ड इन लूप्स इस स्किप्स द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ दैट लूप एंड परफॉर्म्स द नेक्स्ट आइट्रेशंस ऑफ द लूप। यानी दोस्तों, जब आप कंटिन्यू की स्टेटमेंट को लूप में लिखते हैं तो जैसे ही कंट्रोल इस कंटिन्यू स्टेटमेंट पर आता है तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको स्किप कर देता है और कंट्रोल को दोबारा लूप की स्टेटमेंट पर ले जाता है। विच मींस कि अगर आप ब्रेक और कंटिन्यू का मुवाजना करें तो ब्रेक के इनकाउंटर होते ही कंट्रोल लूप से ही बाहर आ जाता है, लेकिन कंटिन्यू में ऐसा नहीं होता, बल्कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के इनकाउंटर होते ही कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद वाली तमाम स्टेटमेंट्स को कंट्रोल स्किप करके लूप की स्टेटमेंट पर जंप कर जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम पर गौर करें तो यहाँ हमने ब्रेक के स्टेटमेंट को यूज किया है, जिसकी वजह से अब सबसे पहले आपकी ये कंडीशन चेक होगी कि i इज लेस देन 5। i में 0 मौजूद है तो 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। तो सबसे पहले कंट्रोल इस लूप की बॉडी में जाएगा, printf हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, यानी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद दोस्तों, अब कंट्रोल इनकाउंटर करेगा ब्रेक को, यानी यहाँ पर इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी जिसकी वजह से कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, यानी ब्रेक के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप तो करेगा ही, साथ के साथ कंट्रोल लूप से ही बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह ब्रेक की जगह कंटिन्यू को रखते हैं तो अभी भी दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन 5 सबसे पहले प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ही कंट्रोल इस कंटिन्यू स्टेटमेंट पर आएगा तो दोस्तों, इस कंटिन्यू की वजह से ये इस वाली आइट्रेशन में, यानी पहली आइट्रेशन में इस पाकिस्तान प्रिंटफ स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और कंट्रोल जंप कर जाएगा इस फॉर लूप पर, यानी जो करंट आइट्रेशन चल रही है उसमें जो कंटिन्यू की बात स्टेटमेंट्स लिखी हैं सिर्फ उनको स्किप करेगा और फिर दोबारा से नेक्स्ट आइट्रेशन पर जंप कर जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यू काम करता है। और डियर फ्रेंड्स, ब्रेक की तरह कंटिन्यू को भी हम इफ के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसकी वजह से लूप में अगर एक की कंडीशन ट्रू होगी तो ही कंटिन्यू इनकाउंटर होगा और कंटिन्यू की वजह से कंट्रोल लूप के अंदर मौजूद बाकी के स्टेटमेंट्स को स्किप करके दोबारा से लूप की टेस्ट कंडीशन पर चला जाएगा। लेकिन अगर ये इफ की अंदर लिखी गई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंटिन्यू इनकाउंटर ही नहीं होगा, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों एग्जीक्यूट होंगी और लूप की बॉडी भी वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि लूप की लाइफ होती है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि आप व्हाइल डू व्हाइल और फॉर लूप के स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद इफ की कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू पर आपका कंट्रोल जाएगा, इसकी वजह से स्टेटमेंट 2 अब स्किप हो जाएगी और कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा इस व्हाइल वाली स्टेटमेंट पर। तो यहाँ पर दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है दोबारा से कंडीशन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंटिन्यू इनकाउंटर ही नहीं होगा, इसकी वजह से अब स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से दोस्तों, आप व्हाइल डू व्हाइल और फॉर लूप के अंदर इफ के साथ कंटिन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, एक प्रोग्राम की मदद से आपको कंटिन्यू की मजीद डिटेल्स बताते हैं। दोस्तों, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक के नंबर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इन 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स में से और नंबर्स को ही प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसकी लॉजिक हमने कुछ इस तरह से लिखी है, हमें क्योंकि 1 से लेकर 20 तक के नंबर चाहिए तो हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है आई। इसमें हमने कंडीशन लगाई है कि आई लेस देन आई 1 के बराबर है और आई लेस देन इक्वल टू 20 है। इसकी वजह से दोस्तों, इस फॉर लूप की बॉडी में रखा कोड
20 टाइम्स रिपीट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इफ की कंडीशन लगाई है जिसमें हमने लिखा है आई इक्वल्स टू एन और एन में हमने स्टोर करवाया है नंबर टू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी आई टू के बराबर है तो फिर ये एन के अंदर टू का इंक्रीमेंट कर दे और टू का इंक्रीमेंट करने के बाद हमने कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखी है। इसके बाद दोस्तों इस इफ के ब्लॉक के बाहर हमने यहाँ पर प्रिंट एफ और आई को प्रिंट करवाया। अब आइए दोस्तों ये काम कैसे करेगा, पहले तो हम इसको रन करते हैं और यहाँ पर आप रन करने पर देख सकते हैं कि 1 से लेकर 20 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन ये किस तरह से प्रिंट हुए हैं आइए आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चेक होगा कि आई इज लेस देन 20 और आप जानते हैं आई में अभी 1 मौजूद है तो 1 जो है वो 20 से छोटा है, ये कंडीशन हो गई है ट्रू। अब कंडीशन ट्रू हो गई है, अब यहाँ पर ये इसकी बॉडी के अंदर कंट्रोल आ गया है, सॉरी फॉर की बॉडी में कंट्रोल आ गया है। अब ये चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो बराबर है 2 के, तो दोस्तों ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से अब इसके ब्लॉक के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं जाएगा बल्कि अब ये डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा आई को और आई के अंदर अभी लिखा हुआ है यानी आई के अंदर अभी मौजूद है 1। अब दोस्तों कंट्रोल जो है वो अब फॉर लूप पर जाएगा, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा आई के अंदर और इंक्रीमेंट होने की वजह से आई हो गया है 2। अब चेक होगा कि क्या 2 जो है वो छोटा है 20 से, कंडीशन ट्रू है। अब चेक होगी इफ की कंडीशन, इफ में लिखा है आई इक्वल्स टू एन, आई के अंदर अभी मौजूद है 2, एन के अंदर भी 2 है वैल्यू, तो एन के अंदर जिसकी वजह से अब ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी बल्कि अब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। दोस्तों ये कंडीशन ट्रू हो गई है, अब आपका कंट्रोल इसके ब्लॉक में जाएगा, एन के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करेगा, अब एन हो जाएगा 4 क्योंकि 2 + 2 = 4। अब दोस्तों यहाँ पर ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट इनकाउंटर हुई है और आप जानते हैं कि जब कंटिन्यू की स्टेटमेंट इनकाउंटर होती है तो लूप के बाद यानी कंटिन्यू के बाद जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्किप हो जाती हैं और कंट्रोल जंप कर जाएगा इस फॉर लूप के ऊपर। यानी अब दोस्तों ये जो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है ये स्किप हो जाएगी और कंट्रोल इस फॉर लूप पर चला जाएगा, दोबारा से इस फॉर लूप के अंदर आई प्लस प्लस करेगा तो आई के अंदर वैल्यू हो जाएगी 3, 3 के बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि 3 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू होगी। अब ये चेक करेगा कि क्या आई इक्वल्स टू एन है, आई अभी है 3 और एन के अंदर मौजूद है वैल्यू 4 जो लास्ट आइटरेशन के अंदर हमने एन के अंदर प्लस करवाया था, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से अब कंट्रोल लूप की बॉडी में नहीं जाएगा और प्रिंट करवा देगा आई, आई में अभी वैल्यू मौजूद है 3 तो यहाँ पर दोस्तों आई के बाद प्रिंट हो जाएगा 1 के बाद प्रिंट हो जाएगा 3। इस तरह से दोस्तों आपका ये जो प्रोग्राम है ये ऑड नंबर्स को सिर्फ प्रिंट करेगा सिर्फ और सिर्फ इस कंटिन्यू की स्टेटमेंट के थ्रू, यानी इस कंडीशन के थ्रू। दोस्तों अगर आपका जो नंबर है वो अगर वो इवन नंबर होगा तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू की वजह से प्रिंट ही नहीं होगा, लेकिन अगर ऑड नंबर होगा तो आपका कंट्रोल कंटिन्यू पर नहीं जाएगा। इस तरह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 20 तक के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स होंगे सिर्फ वो ही प्रिंट होंगे। इस तरह दोस्तों ये कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करती है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नई कंट्रोल स्टेटमेंट, गो टू कंट्रोल स्टेटमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।